माँ के साथ हम साथ में सीखते थे, माँ के गुरुजी के पास, और लय तैयार करने के लिए हम तबला सीखते थे। हमारे माता पिता वो चाह रहे थे कि हम गवैया बने, और बहुत दिन देर तक हम गाना सीखा। उसके बाद वो जो एडोलेसेंस में वॉइस क्रैक होता है, उस समय आई हैड एक्यूट फैरेंजाइटिस, तो थोड़ा रियाज करने से वो खांसी शुरू हो जाते थे और बहुत तकलीफ में रहते थे हम। तो उस वक़्त हमारे माँ की गुरुजी ने बताया कि क्यों ना वो हम हारमोनियम सीखें। तो फिर मैंने हारमोनियम सोलो बजाना शुरू किया, सीखने शुरू किया पंडित मंटू बैनर्जी से, फिर उनके बेटे महाराज बैनर्जी जी से। बहुत साल तक तबला हम साथ साथ सीखते रहे गुरुजी के पास, पंडित कनाई दत्त के पास पहले, उसके बाद पंडित शंकर घोष जी के पास, गुरुजी के पास। तो उस समय एक समय आया कि मैं हारमोनियम की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और मैं हारमोनियम सोलो बजाने लगे। और आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि मैं तबला बजाता था, कि बहुत कम हमारे आगे की पीढ़ी के तबला प्लेयर्स हैं जिसके साथ हमने नगमा नहीं दिए हैं। I have played Lehra with many great artists. You know, all the great tabla players I have given nagma. क्योंकि हम तबला बजाते थे और बच्चा था तो सबको मजा भी आता था, क्योंकि लय हम अच्छा संभालते थे। सपोंदा, अनिंदोदा, कुमारदा, सबके साथ हम, हमारे गुरुजी के साथ कई बार हमने नगमा दिया, तो खूब वैसे चल रहा था। तो फिर गुरुजी एक बार मेरे बाबा को बुला के बोले कि ही हैज़ टू चूज वन, या तो हारमोनियम बजाए, या तो तबला बजाए, या तो गाना गाए, कुछ एक करे, ये तीन चीज होगा नहीं। तो बाबा मेरे को पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो देन आई फेल्ट कि तबला बजाने में मुझे मज़ा आता था बहुत, तो फिर मैंने बाबा को बोला कि आई विल चूज तबला। सो दैट इज़ हाउ आई स्टॉप्ड सिंगिंग, आई स्टॉप्ड प्लेइंग हारमोनियम, एंड देन आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन जस्ट प्लेइंग तबला। और आपको हम बताएं शिवेंद्र जी कि गॉड हैज़ बीन सो काइंड एंड आई मीन इट, क्योंकि हमारा तो कोई परंपरा नहीं है घर में कि माय फादर इज नॉट अ म्यूजिशियन, माय मदर इज अ म्यूजिशियन, लेकिन कोई लेगेसी तो है नहीं। लेकिन हमारे साथ एक क्या बताएं आप, मिरेकल्स हुए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ग्रेटेस्ट ऑफ म्यूजिशियंस, दे सॉ मी एंड दे पिक्ड मी अप। शुरुआत हुआ उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से। I was very young, I was 21 years old, I was playing with Mashkoor Bhai. Mashkoor Bhai pehli dafa Kolkata aaye the, shuru mein Delhi se, ITCSRA mein. To Calcutta Music Conference mein hum Mashkoor Bhai ke saath baja rahe the, aur Munawwar Chacha was there as a chief guest, aur unko last day mein gana tha. To wo humko sune the Khan sahab, aur Chacha ko hum dekhte the, Guruji ke dost the. और सारे कलकत्ते के टॉप मोस्ट लोग, सारे मुनव्वर अंकल के शागिर्द उस समय, पंडित अजय चक्रवर्ती, सोंध्या मुखर्जी, माय गुरुमा ज्ञान बाबूज वाइफ, माय बड़े गुरुजीज गुरुमा ललिता घोष जी, एवरीबॉडी इज मुनव्वर अंकल्स शागिर्द देन। तो वो मौका, पहली दफा मुनव्वर चचा बोले कि वो लड़के को बुलाओ, क्योंकि स्वपनदा वॉज सपोज टू प्ले विथ हिम इन द कॉन्फ्रेंस, ही गॉट डिलेड, सो द ऑर्गेनाइजर्स केम एंड पिक्ड मी अप मिडल ऑफ द नाइट। आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, आई हैड नो आइडिया। आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड कि दो महीने के बाद हमें लेके हैदराबाद चले गए। उस समय हैदराबाद में रहते थे मुनव्वर चचा, उसके बाद दिल्ली में लेके गए, एंड देन ही कॉल्ड माई फादर एंड सेड आई वॉन्ट टू टेक हिम टू लंडन। So I was then 86, in 86 mein I was 23 years old, I traveled to London first, and since then by God's grace I have never looked back. All the friends that I have played with, they are the topmost musicians of the country, jo hamare dost hain hamare peedhi ke, aur hamare aage ke jo hain bade jo hain sare stalwarts ke sath hum bajate rahe, Munawar Chacha, VG Jog sahab, Ustad Imrat Khan sahab, then of course Ustad Amjad Ali Khan sahab, a very big influence in my life as a guru, as a mentor, and then of course from 97 Pandit Ravi Shankar ji.
15, आई वॉज 15 देन. अभी भी गाना गाता हूँ, अभी भी हारमोनियम बजाता हूँ. बहुत मैं शौकीन हूँ, मैंने बजाने बहुत अच्छा लगता है हारमोनियम, और मैं गाना भी गाता हूँ. अभी तो ख्याल नहीं गा सकता, लेकिन कभी कभी ठुमरी दादरा ये सब हम गाते हैं शौक से. लेकिन आई वॉज 15 जब गुरु जी ने बताया, देन आई साइड लाइन वो सारे साइड करके फिर तबले के ऊपर मैंने ध्यान दिया पूरा. अभी इस उम्र में हम जब सोचते हैं कि सहबत, साथ में बैठने उठने की जो एक नसीब होनी चाहिए, तब कलाकार बनेगा. कला आप डजेंट मैटर हम कितना सीखे हैं, कितना अच्छा घर में बजाते हैं, जब तक बुजुर्गों के पास बैठने का मौका ना हो तो कलाकार नहीं बन सकता. क्योंकि ये जो तहजीब मौसीकी जो है, जो एटिकेट ऑफ म्यूज़िक, ये जब तक किसी को पता ना हो, और छोटी छोटी बातें हैं, हर बुजुर्गों के पास हम कुछ ना कुछ सीखते आए हैं. गुरुजी के सिवाय, गुरुजी के पास हम सीखते रहे, और बाकी के बुजुर्गों के पास हम जाके बैठने का हुआ, कभी साथ में ठेका लगाने का हुआ, ऐसे बातचीत होते रहे, हम बैठे हुए हैं, वो जो डिस्कशंस हम सुने. और हमारे बचपने में हम जहाँ रहते हैं बालीगंज में, शिवेंद्र जी, हमारे घर के 5 मिनट के दूरी में उस्ताद अली अकबर खान साहब का घर था. हर विंटर में खान साहब वहाँ आते थे, रहते थे 3 महीना. तो हम लोग तो आते जाते खान साहब को देखते थे, रिक्शा में घूम रहे हैं, कभी ऐसे बरंदा में खड़े हैं. हमारे घर के 10 मिनट दूर निखिल काका रहते थे, निखिल बैनर्जी. हमारे घर के पास महापुरुष मिश्रा जी रहते थे, हमारे बाबा का दोस्त भी थे वो. तो हमारे दुकान में, हमारे वी हैड अ मेडिकल स्टोर, तो वहाँ महापुरुष काका आते थे. हाँ, तो फिर बहादुर खान साहब हमारे घर से 15 मिनट दूरी में, उस्ताद बहादुर खान साहब. फिर रविशंकर जी आते थे, लाला श्रीधर जी के घर रुकते थे, वो भी 15 मिनट हमारे घर से. तो एक जो इलाका जो था हमारा बालीगंज, चारों तरफ श्यामल बोस जी रहते थे, प्रसून बैनर्जी, मीरा बैनर्जी, मुनवर चचा, इमरत चचा पर्क सर्कस में, किरामतुल्ला खान साहब, साबिरदा, अनिंदोदा, सब वो इलाका जो सपुंदा लेक व्यू रोड में, गुरुजी खुद रहते थे कबीर रोड में. तो ये सबको देखना, उसका एक इम्पैक्ट हुआ मेरे मन में. आज के समय अगर हम गाना बजाना करते तो शायद वो नहीं हो पाता. वो सामने विलायत खान साहब को हम जब पहली दफ़ा देखे, रविशंकर जी को जब पहली दफ़ा देखे, अली अकबर खान साहब को, उस्ताद अमजद अली खान साहब को सामने जब देखे, तो उसका एक इम्पैक्ट हुआ हमारे मन में इन दैट यंग एज. तो क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस फैमिली है, सब बिजनेस करते हैं, सब बड़े नौकरी करते हैं. गाने बजाने का परंपरा खाली हमारी माँ के तरफ से था. अगर वो माहौल हम को मौका नहीं होता देखने का, हम शायद गाना बजाना नहीं करते. क्योंकि वो देख के जो एक इम्पैक्ट हुआ, और फिर बैठने का, हम कोने में बैठते थे जाके क्लास में बड़ों का, तो सुनते थे कि क्या बातचीत हो रहा है. तो ये हमारा जो एक जर्नी रहा. मैं आज सबको कहता हूँ कि सुनो पहले, जहाँ मौका मिले बुजुर्गों को सुनो, तुमसे जो बड़े हैं, और ट्राई एंड लर्न. वो कान में रह जाता है, ज़हन में रह जाता है, तो वो बाद में काम आता है. वो खाली कायदा और टुकड़ा और रेला सीखने से आर्टिस्ट नहीं बनेगा. ओवरऑल म्यूजिक को आपको हजम करना है. मैं ये देखता हूँ कि ये नसीब की बात है. और मैं हमेशा से एक बात, मेरे माय पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड मी कि झुक के रहो, यू नो, सरेंडर योर सेल्फ, देन ओनली यू विल लर्न समथिंग. तो मैं जहाँ भी, जब भी, जो भी बुजुर्गों के पास जब भी गए, आई ऑलवेज सरेंडर्ड माई सेल्फ. और जैसे जैसे मौका आए, तो उसको मैंने एकदम सर पे बैठाया, और जो भी सेवा हमसे हुआ, हमने करने की कोशिश की सेवा के दौर में, विदाउट एक्सपेक्टेशन. ऐसा नहीं कि आप हमको लेके बजाएंगे तभी ये करना, नहीं. बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव नो लेगेसी, आई हैव टू गिव माई बेस्ट व्हेन आई गिव गेट चांस.
जब मौका मिलेंगे हमें उसका 100% इस्तेमाल करना है म्यूजिक के जरिए, तो उसके पहले आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो आई थिंक आपने बहुत सही कहा, इतना प्यार मुझे मिला, आपको हम क्या बताएं। हम उस्ताद जी के पास जब दिल्ली गए थे, आई वॉज स्टिल वेरी यंग, 84 में उस्ताद अमजद अली खान साहब के पास, मुझे याद है मैं मुनव्वर चचा के साथ यूरोप गया था 87 में। जब हम आए उसके पहले ही उस्ताद जी मेरे को बताया कि सरोद फेस्टिवल होने वाला है दिल्ली में, तुम बजाओगे। और शिवेंद्र जी मैं वहां 6-7 आइटम बजाया था, बहादुर खास साहब के साथ, सरन रानी जी के साथ, जयदीप घोष के साथ, तेजेंद्र नारायण के साथ, और भी एक दो थे मुझे याद नहीं है, 6-7 आइटम हम बजाए थे 87 में। सरोद फेस्टिवल हुआ था जो एक हिस्टोरिक फेस्टिवल था, 36 सरोद प्लेयर्स। तो ये खाली आशीर्वाद के दौर पे हम देखते हैं कि हमें आशीर्वाद बहुत मिला बुजुर्गों से। रवि जी इतना प्यार मुझे दिया, इतना आशीर्वाद दिया अमजद अली खान साहब, काकी माँ माँ की तरह हमें प्यार दिया, चिन्ना माँ माँ की तरह हमें प्यार दिया। तो ये हम सोचते हैं कि ये नसीब की बात है, आई कैन नॉट से हाउ दिस हैपेंड, लेकिन ये मुझे मिला, ये सौभाग्य मेरा हुआ। तबला इज अ ग्रैंड इंस्ट्रूमेंट और मुख्य संगत के लिए मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, साज है, तो वो एक बात है, लेकिन तबला एकक वादन अगर कोई चाहे तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा दुनिया पड़ा है। इतने सारे कॉम्पोजिशंस हैं, बड़े बड़े उस्ताद थिरकुआ खां साहब, हबीबुद्दीन खां साहब है, अमीर हुसैन खां साहब, सब सोलो कैसे कैसे बजा के गए। लेकिन देखिए तबला अनफॉर्चुनेटली आप देखिएगा, तबले की समझ, वैसे संगीत की समझ तो हैंडफुल ऑफ लोगों के पास है, बाकी के लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं सुनने। तो इसीलिए तबला जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी, पहले के समय हमने सुना बचपन में हर कॉन्फ्रेंस में एक तबला लहरा होता था, दो तबला लहरा होता था, आज के समय हो कम होते जा रहा है, वो ज्यादा होना चाहिए। देखिए दक्षिण भारत में जो परंपरा रही कि मृदंगम खंजीरा घटम का ताल वाद्य तानी आवर्तनम होते रहे, तो रविशंकर जी वही अडॉप्ट किया जो उस्ताद अलराखा खान साहब को सोलो बजवाया, और जो भी उनके साथ बजाते रहे उनको सोलो बजाया, बीच में तबले को पॉपुलर किया उस तरह से एक कॉन्सर्ट के बीच में। तो लेकिन ये ऑर्गेनाइजर्स को भी सोचना चाहिए कि तबले का एक अलग रंग है, एक सौंदर्य है, तो उसको लोगों के सामने पेश करने की मौका होनी चाहिए। देखिए हमने जैसे कहा आपको कि मैं बचपने से विदेश में घूमते रहे, और हमें गाने का भी शौक था, मैं हारमोनियम बजाता थे उस समय, और तबला तो बजाता ही था। तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि साउंड सेम है लेकिन साज अलग है। तो ये चीज मैं बहुत साल तक इसको सुनता रहा। फॉर एग्जाम्पल जो सुन रहे हैं, अगर आप थोड़ा होमवर्क करेंगे इसके ऊपर आपको पता चलेगा, जैसे उदू एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउथ अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन साउंड जो है बिल्कुल घटम की तरह है, बजाने का तरीका अलग है, देखने में अलग है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जब आप अगर आप रिकॉर्डिंग सुने तो वो लगेगा घटम बज रहा है, क्योंकि वो भी क्ले पॉट है। मैंने ब्राजील में सुना बरिम्बाओ, वो बहाया प्रोविंस है नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राजील, वहां मैं बरिम्बाओ सुना कैपुएरा डांस के साथ,
मैं आश्चर्य हुआ कि मैं फोक आर्टिस्ट के साथ बहुत काम करता हूँ बंगाल में, तो बाउल लोग जो हैं वो एक तरह बजाते हैं विथ वन स्ट्रिंग, वो फिंगर से बजाते हैं, तो बेरिम्बा स्टिक के साथ बजाता है, लेकिन वही एक तार के ऊपर डाउन 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 डाउन, बिल्कुल एक साउंड, समझे आप? जैसे मैंने पंदेरो सुना साउथ अमेरिका में, फिर मुझे लगा अरे बाप रे, ये तो कोई ना कह दे तो ये तो आराम से आपको लगेगा कि हम खंजीरा के जैसे बजा सकते हैं इसको, और बजता भी है वैसे जो पंदेरो प्लेयर्स हैं। तो ये कारण से फेमिलियर साउंड थ्रू अनफेमिलियर मीडियम्स, ये सोच मैंने रिसर्च करते रहे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट और भी हैं। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म तालतंत्र बनाया, आई डोंट कॉल इट अ बैंड, ये मैं बैंड की सोच से नहीं किया, मैंने किया कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहां हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शिवेंद्र जी, मैंने ये तो कहना नहीं चाहिए लेकिन एक मौका हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बाउल के साथ जो वेस्टर्न म्यूजिशियन का फ्यूजन, वो हमारे पहले सिर्फ एक आदमी था गौतम चैटर्जी करके, ही डिड इट एंड नो वन डिड इट। आई पॉपुलराइज्ड द बाउल थिंग इन अ बैंड फॉर्मेट, और फिर ढाक जो हमारे बंगाल का फेमस सेरिमोनियल पूजा में हमेशा बजता है, तो वो गोकुल चंद्र दास जी को मैंने पिकअप करके एक साल उनको सिखाया छंद, तिहाई, कायदे, और फिर मैंने स्टेज में उनको लेके बजाना शुरू किया। और आपको जान के खुशी होगी कि गोकुल जी, रविशंकर जी बुलाया हॉलीवुड बोल में अमेरिका में, उस्ताद जी ने लंदन में बुलाया, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब गोकुल जी को लेके मास्टर ऑफ पर्कशन में टूर किया मिडल ईस्ट एंड यूरोप एंड अमेरिका, यू नो। तो ये तालतंत्र का प्लस पॉइंट हुआ कि आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटल, नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे बैंड एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस हम तो तबले में बहुत बिजी रहे, आज भी सिखाना और बजाना इसमें हम बहुत बिजी रहते हैं, हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इट विल बी गुड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो इसके भावना से मैंने तालतंत्र को एस्टैब्लिश किया। सबको ये बात स्वीकार करना चाहिए कि क्लासिकल म्यूजिक इज द ओनली म्यूजिक फ्रॉम इंडिया दैट द वेस्ट नोज अबाउट। जो अमेरिकन है, जो जर्मन है, जो फ्रेंच है, जो स्पैनिश है, साउथ अमेरिका में जो ब्राजीलियन है, उसको क्लासिकल म्यूजिक का पता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड योगा, योग साधना और हमारे आध्यात्म्यवाद। आप देखिए फ्रॉम 1800 ग्रेटेस्ट ऑफ सेंट्स बंगाल से दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़े थे, स्वामी विवेकानंद थे पहला, उसके पहले भी थे, और उसके बाद रविशंकर जी आए, और उसके आगे अलाउद्दीन खां साहब गए दादा उदय शंकर जी के साथ, विष्णुदास शिराली जी, तिमिर बरन भट्टाचार्य, उसके बाद अली अकबर खां साहब योधी मेनुहीन के साथ, फिर रविशंकर जी ऑल्सो। तो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं वो फिल्म म्यूजिक नहीं जानते, वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जानते हैं। और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी, आज हम देखते हैं सारे वर्ल्ड के फिलहारमोनिक स्कोर म्यूजिक बनाते हैं, न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक, लंदन फिलहारमोनिक, अपना क्या बोलते हैं कीव, यूक्रेन फिलहारमोनिक, बर्लिन फिलहारमोनिक, इस सारे ब्राजील साओ पाउलो फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा, सबके स्कोर पीसेस, उनका बनाए हुआ पीस वो लोग बजाते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। और हमें मुझे तो ये जर्नी देखने को मिला, देखिए मुझे आपको मैं शेयर करता हूँ आनंद के साथ कि उस्ताद अमजद अली खां साहब के साथ मैंने जब बजाया, वो भी स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा लंदन फिलहारमोनिक के साथ मैंने बजाया, रविशंकर जी के साथ बजाया, जब डेफिनेटली बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स में वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ हम बजाने का मौका हुआ, अभी डॉक्टर साहब के साथ एक से एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ हमें बजाने का मौका हुआ, तो वो एक अलग
एक्सपीरियंस है और वो आपको एक अलग कंडीशनिंग चाहिए माइंड का. यू हैव, क्योंकि आपको वो तो क्लासिकल नहीं है ना, तो फिल्म म्यूजिक है, वो बीच का एक लैंग्वेज है जिसको आपको समझने की कोशिश करना है. अभी कुछ ही 3-4 साल पहले हम गए थे कतार में, कतार फिलहारमोनिक के साथ. वो नवीन भाई है, वो एआर रहमान साहब के बहुत फेवरेट म्यूजिशियन है नवीन कुमार. सो ये सारे जो बॉम्बे फिल्म्स हैं, बॉम्बे का म्यूजिक का जो मेन सिग्नेचर लाइन है वो नवीन भाई का बजाया हुआ, रोजा का उनका बजाया हुआ. तो उनके साथ उनके कॉम्पोजिशंस हम कतार में अब बजाए, यूट्यूब में है वो सब वीडियो. तो एक अलग एक्सपीरियंस है. और कविता जी सही बताया कि एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन जो इज्जत डॉक्टर साहब को मिलता है, दैट्स ओनली बिकॉज ही इज अ क्लासिकल म्यूजिशियन. और वेस्टर्न पीपल दे केयर अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. ये मैं विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहता हूँ, नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अध्यात्मवाद और योग साधना, ये तीनों चीज जो है फिलॉसफी ऑफ इंडिया, यही चीजें हैं जो विदेश में हमारे सर पे हैं, उनके सर पे हैं. एंकरिंग के लिए तो मैं ये कहता हूं कि देखिए हमें एक फायदा होता है कि अब हम जब एंकर बन के बैठते हैं तो म्यूजिशियंस को मुझे पता है कि आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या पसंद है, आप कैसे गाते हो बजाते हो, तो मैं उस एंगल से मैं क्वेश्चंस करता रहता हूँ. और तो फिर उसमें उनका भी एक कंफर्ट जोन बनता है कि वो, उनको पता है कि तन्मय पूछ रहा है तो उनको मालूम है मेरा काम, तो वो भी कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो सारे मैंने तो ये मान के चलता हूँ कि सबको मैंने, दोस्तों को तो साथ में देखा और बड़ों को भी पहले बचपने से सुना, तो उसमें एक आसानी होती है. और बात करने का ये मेरा वो भी एक शौक है. एंकरिंग मैं शौक के दौर में करता हूँ, ऐसा कोई मतलब वो नहीं, लेकिन मैं टेलीविजन में काम करता हूँ वो शौक के लिए. मुझे अच्छा लगता है एंकर, ये सब प्रोजेक्ट्स बनाना, एंकर करना, तो मैं करता हूँ. मैं एक वर्णना रविशंकर जी का कंपोजिशन हमें बहुत पसंद है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ. धिन धिन दाना तिन तिन नात्रक धिन धिन ना, ओम गम 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 श्री गणेश, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, नमो नमो माता सरस्वती, धगन धतित धगन धतित गन तित, राग ताल सुर लय नमो नमो, सुर नर मुनि गुणि जन नमो नमो, बाजत मृदंग वीन मिर्चंग, निरत करत ब्रह्म तिरकत रंग, ता तुंग तक तुंग ततुंग दिग दिग तुंग, ता तुंग तक तुंग ततुंग दिग दिग तुंग, ततुंग 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 धा ततुंग 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 धा ततुंग तातुंगा, तातुंगा, दा। ये रवि जी का कंपोजिशन है, तो ये इससे मैं समाप्त करना चाहता हूं.